कराची में अल्फा एजुकेशन नेटवर्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के दूसरे मरहले की इख्तितामी तकरीब एक इंतहाई रंगारंग तकरीब थी, जिसमें स्कूल इंतज़ामिया समेत डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट और वालदैन और शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, टैग बॉल, डॉज बॉल, आर्म रेसलिंग में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आने वाले स्टूडेंट्स को मेडल और शील्ड से नवाजा गया। Quranic verse that sulken not in falling of your enemy if ye are facing hardships, but they are facing similar hardships, but ye have faith in Allah. So if you put on your hard work, you have faith in Allah, there is no way that you don't succeed in life. So talking to the management of Alpha College, they have the plan for the grooming of sports and with a mission to have team representation at the national level and then at international. I wish else does. It speaks to youth in the language they understand. Sports can create hope where once there was only despair. Unquote. I would like to congratulate the winning teams and all the participants involved. Thank you for giving us nail-biting and jaw-dropping performances. I would like to give my heartiest thanks to ELFA sports coordinators, Ms. Najma Farhan and Mr. Majid Rasool, with their teams of coaches, referees and A-level volunteers. Without ASF का ये हमारा चौथा साल है, ये चार साल से हम ASF करा रहे हैं। हमने एक बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह हमारे पास कराची का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें अराउंड 70 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है 12 डिफरेंट गेम्स में और हमारे पास अराउंड 5000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। हमने अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरी में डिफरेंट बच्चों को बुलाया है और हमारी कोशिश यही है इस इवेंट के साथ कि हम लोग स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में बढ़ाएं और हम लोग आगे जाकर लोगों के में स्पोर्ट्स आम करें। हमारा ASF जो हो रहा है ये 5 साल से हो रहा है और इसमें इस साल 5000 बच्चे थे। ये कम्प्लीटली मैनेज्ड होता है हमारे स्टूडेंट बॉडी से, हम उसको ओवरसी ज़रूर करते हैं लेकिन हमारे स्टूडेंट बॉडी इसमें इंगेज करती है और ये एक स्टार इवेंट है शहर का जिसमें तमाम स्पोर्ट्स जो हमारे स्कूल के जितने भी पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स के वो हिस्सा लेते हैं। इसमें स्कूल जो है वो अल्फा हाई हो गया या अल्फा कॉलेज हो गया वो
इमेंस प्रमोशन करता है स्पोर्ट की और उसको अपने होस्ट करता है, अपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और आप देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ कितनी वेल मैनेज्ड है और ये इनेबल करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म करें। माशाल्लाह अल्फा हाई स्कूल नेटवर्क जो है वो ग्रास रूट पे काम कर रहा है। अब आप ये बताएं कि ये ए लेवल से ओ लेवल से ए लेवल में जाने के लिए क्या आप कोई बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं? जी, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो एजुकेशन बेस पर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स बेसिस पर हो, चाहे वो अदर स्किल्स पर हो, स्कॉलरशिप्स बिल्कुल जी ऑफर होती हैं और वो काफ़ी बच्चों को माशाल्लाह इनेबल करती हैं। स्कॉलरशिप्स खाली इसमें नहीं होती हैं, स्कॉलरशिप नीड बेसिस पे भी हमारे पास होती हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये कोई वजह नहीं है कि वो ए लेवल्स ना कर पाएँ। तो स्पेसिफिकली इस वजह से हमने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी रखी हुई है। हुएवर कम्स टू आवर कॉलेज, वो अगर फॉर्म अप्लाई करे और वो डिजर्व करता है तो उसको ज़रूर हम कंसिडर करते हैं, ज़रूर देते भी हैं। थैंक यू। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम लोग पिछले 4 साल से वी हैव बीन कंडक्टिंग दिस इन आवर कॉलेज। इस साल हमने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी थी फॉर द स्टूडेंट्स अंडर 13 एंड अंडर 15, ताकि वो अपने टैलेंट्स शोकेस कर सकें। अच्छा सर, मैं ये बताएगा जब एक तरफ एजुकेशन सर आसान है लाइफ इन माइंड स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं और तालीम में खलल वाकई होता है, क्या यहां भी इस तरह के वाकयात होते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहां पे यहां सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है, अपने स्पोर्ट्स को भी मैनेज करना होता है। थैंक यू सो मच। अलहमदिल्ला, बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ बताइए जी। मैं एल्वा स्कूल में डीन हूँ और नाम मेरा साइमा रजा है और इस वक्त हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी जो है अल्फा एजुकेशन नेटवर्क की उसमें मौजूद हैं। ये हमारा 4th स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, ये हर साल होता है। अभी हमने पहले एक नेशनल लेवल पे भी करवाए थे गेम्स। अब also, how can we forget Mr. Shazim Nazir? देख रहे हैं हम ये कि अब हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये ड्रीम है कि अब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी ये गेम्स करवाएं। इसी तरह से इस दफ़ा माशाल्लाह से हमारे 40+ स्कूल्स ने कराची में पार्टिसिपेट किया एंड मोर देन 5000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इट वाज एन अमेजिंग इवेंट और सारे कराची के ओ और ए लेवल स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें। बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस सेरेमनी में आके। आप ये बताइए कि जैसे आपका स्कूल माशाल्लाह खेलों में भी बहुत अव्वल पोजीशन में है, जी जी, तो पढ़ाई में क्या है इसकी? पढ़ाई में माशाल्लाह इस दफ़ा जो हमारे इस दफ़ा समझें कि 2 साल के बाद हुए थे CIE के एग्जामिनेशन, हम लोग बहुत डरे हुए थे क्या करेंगे बच्चे, मगर माशाल्लाह मेरे जो थे एज और ए स्टेरिक्स 86% थे हमारे। तो माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं हम क्योंकि उनको ऐसे करें होलिस्टिक अप्रोच पे हम चलते हैं, उनकी पूरी ग्रूमिंग करते हैं, एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ हैंड इन हैंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। अल्फा एजुकेशन नेटवर्क की तरफ से बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं और उसमें सबसे बेस्ट जो है ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो लास्ट 4 ईयर्स से करवा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे स्कूल्स ने, टॉप स्कूल्स ऑफ कराची ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छे टीम एफर्ट्स रहे सबके, बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स इवेंट्स थे, ऑर्गेनाइज और वेल मैनेज्ड। थैंक यू सो मच अल्फा फॉर दिस इवेंट। अच्छा, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज के इवेंट के बारे में कुछ बताइए और अपना भी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट माशाल्लाह, एंड हम लोगों ने कराची का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा इंटर स्कूल कंपटीशन जो है वो यहाँ पर मुनाकिद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था, एंड इंशाल्लाह वी होप कि हम इस पर फ्यूचर में इससे भी बड़े इवेंट्स करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जजाकल्लाह।